नई सरकार बनने को है और लालू जी से अब मुलाकात करने वालों की लंबी एक लिस्ट बनती जा रही है, जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक जेल में है वो तो जेल में आज नहीं है, बरसों से जेल में है और उन्होंने कोर्ट ने सजा दिया है उनको, कोर्ट के सजा के बाद जेल में है। कोई सरकार रहे, उनकी सरकार रहे, उनके समर्थक दलों की सरकार रहे या उनके विरोधियों की सरकार, सरकार तो सरकार होती है, सरकार को नियम कायदे के मुताबिक चलना है, आगे चलती रही, आगे भी चलना पड़ेगा उनको। जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल का पूरा निर्वाह करना ही पड़ेगा अधिकारियों को, और अगर जेल मैनुअल का निर्वाह नहीं करेंगे अधिकारी तो फिर जान लीजिए वही सरकार उनको दंडित करेगी, क्योंकि सरकार कानून नियम संविधान से ऊपर नहीं चल सकती है। आप लोग की नज़र बनाए हुए हैं तमाम प्रकरणों में? बिल्कुल, पूरा देश का नज़र है ना, कानून नियम संविधान पर, पूरा देश का नियम पर सबका नज़र है, मेरा ही नहीं आपका भी होगा, सबका नज़र है। इसलिए जेल जेल है और सबको अगर सजा की नहीं हुआ है, जेल काट रहा है कोई, तो फिर नियम के मुताबिक वो जेल में रहेंगे, और जो नियम है जेल मैनुअल का, अगर तीन आदमी का नियम है मिलने का तो तीन ही आदमी मिलेंगे। ये चंद्रिका राय जो हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं और लालू जी के समधी भी रहे, कल जो प्रकरण हुआ, प्रकरण पे क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहाँ तक माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का सवाल है और श्रीमान चंद्रिका राय जी के परिवार का सवाल है, ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है और मुझे लगता है इसको राजनीतिकरण है, इसका जवाब हमको कुछ नहीं देना चाहिए। हम तो इतना ज़रूर चाहेंगे, ईश्वर करे सद्बुद्धि आवे दोनों आदमी को, दोनों परिवार बढ़िया से मिलजुल कर अपने बेटा बेटी का पारिवारिक जीवन बितावे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं कुछ भी इस पर कमेंट करना उचित नहीं समझता। बीजेपी की सहानुभूति है क्योंकि वो बार बार कर रहे हैं। देखिए, सवाल बीजेपी का नहीं है, उनको न्याय मिलेगा, बार बार चंद्रिका राय भी कर रहे हैं कि इस सरकार में हमें विश्वास है कि हम सबको न्याय मिलेगा। देखिए, जहाँ तक न्याय की बात आपने किया है और कानून कायदे की बात किया है, तो बिल्कुल ये सरकार कोई भी व्यक्ति होगा जो उचित होगा वो तो न्याय निश्चित मिलेगा उनको, लेकिन व्यक्तिगत बात आपने पहले पूछा था इसलिए मैंने वो जवाब दिया, लेकिन कानूनन बात जब पूछिएगा तो फिर जो नियमानुकूल होगा वो तो सब पर कार्रवाई होगी नियमानुकूल। चंद्रिका राय नाराज चल रहे हैं, पार्टी की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, लालू राबड़ी से उनकी खासी नाराजगी है, क्या ये माना जाए कि बीजेपी उन्हें शामिल करेगी अपने पार्टी में? देखिए, जहाँ तक आपने सवाल कहा है नाराजगी चल रही है, वो तो उनका समधी समझारा का मामला है, तो वो तो मैंने पहले भी कहा है कि उनके व्यक्तिगत मामले में मैं दखल नहीं देता, और जहाँ तक शामिल होना नहीं होना, बीजेपी शामिल करेगी नहीं करेगी, जब लोग कोई आते जाते हैं, कोई आवेदन करते हैं, तब तो उस पर कोई विचार करने का विषय आएगा, जो ऐसा हुआ ही नहीं तो उस पर बात करना मुझे नहीं लगता। ऑफर कोई मैं ऑफर किसी को नहीं देता हूँ। अरे, भारतीय जनता पार्टी में या NDA में लाइन लगाए हुए पूरे देश में, आपने देखा ना, अकेली भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप सदस्यता हुई है पूरे देश में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये आपको भी जानकारी है। मेंबरशिप बढ़ रही है लेकिन कई राज्यों में सरकारें आपकी ख़त्म हो जा रही है। देखिए, सरकार तो आती जाती रहती है, कहीं आते भी हैं, कुछ कमियाँ रह जाती है तो चले भी जाते हैं, फिर आ भी जाते हैं, ये आते जाते रहेगी, ऐसा मत समझिए कि जो सरकार आज चली गई कल आने वाली नहीं है, वो सरकार फिर आने वाली है। हार में हेमंत सोरेन जी का जीत हुआ और आपकी पार्टी का हार हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, हार जीत तो मैंने पहले कहा, हार जीत तो होते रहता है, कुछ कमियां हुई होगी हम लोगों में जिसके कारण हम हार गए, या जो तरीका आजकल गठबंधन का है वो करने में हम सफल नहीं हो पाए, हम जो बात सोचे थे वो नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हो गया। और ऐसा मत बुझिए कि लंबे दिनों के लिए हम अलग हो गए, ऐसा नहीं है, फिर सरकार हमारी बनने वाली है, फिर बनेगी हमारी सरकार। अच्छा, एक विभागीय एक सवाल, ये सर ये बताइए कि ये जल जीवन हरियाली चल रहा है और
क्या आपके पास कोई अभी तक आंकड़ा आया है कि कितने लोग हैं जो सरकारी पोखरे सरकारी जो तालाब है उसको इंक्लोजमेंट किए हैं? देखिए हाल के दिनों में आंकड़े प्रस्तुत किए गए और लगातार ये हमारा डिपार्टमेंट राजस्व भूमि सुधार विभाग ने अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आमजनों से अपील भी किया है, लोगों को बार बार सूचना सूचित इवन माइक के माध्यम से भी करवाने का काम किया है कि सौ समय उसकी समय सीमा अवधि दिया है, खाली कर भी रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने खाली भी किया है, लेकिन जो खाली नहीं करते हैं उनके साथ सख्ती के साथ भी खाली कराएंगे हम। और लगातार आप देखते होंगे बांध पोखर आहर पैन खाली हो रहे हैं, खाली हो भी गए हैं, और मनरेगा के माध्यम से मनरेगा के माध्यम से या अन्य विभागों के माध्यम से उसकी खुदाई करने का काम उसमें अन्य तरह का और अच्छा दिखने के लिए और लगातार जल जीवन हरियाली जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी अभी लगातार शहर शहर गांव गांव कस्बे में जा भी रहे हैं और ये कार्यक्रम सफल भी हो रहा है और आम लोग उसको सराहने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं, बीजेपी और जदयू ने लूट का एक आधार बनाया है, चुनाव का वर्ष है, पैसा लूटने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है। देखिए जहाँ तक तेजस्वी जी की बात आप कर रहे हैं तो क्या करें, मेरे पक्ष में है, झाल तो बजाएंगे नहीं। अब जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो बेरोजगार व्यक्ति आखिर करे क्या, वो अच्छा काम दिखाई नहीं पड़ रहा है, जरा गांव घर चले तो पता चलेगा कि जो भर गया था बांध पोखर आर पैन उसकी खुदाई हो गई, चारों तरफ के घाट बनाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के जो मामला है उसके लिए हम लोगों ने वृक्षारोपण बड़ी संख्या में करवा रहे हैं, सफाई स्वच्छता का भी काम हो रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उनके चश्मा में दिखाई नहीं पड़ेगा। ऑफर देंगे क्या, ऑफर देंगे क्या, ट्वीट किया चल के घूमने जल जीवन हरियाली बौखलाने के लिए युवा बेरोजगार हैं बिहार, ऑफर देंगे क्या आप तेजस्वी को, आप चलिए कम से कम क्षेत्र में घूमिए? हम उनको ऑफर क्यों देंगे हम, लेकिन उनको तो अपने ही जाना चाहिए, गाँव जाके देखें, और जहाँ जहाँ हम लोगों ने काम कराई है, हमारी सरकार ने काम कराई है, वो सारे काम उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार काम हुआ है। माननीय श्रीमान नीतीश कुमार जी या सुशील जी या हम लोग जहाँ जहाँ जाकर देख रहे हैं, और ये मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्र भी जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं, ये सब कुछ पूरा राज्य का, इस राज्य की जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं कि काम हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से हो रहा है और तेज करने की ज़रूरत है।